नमस्कार मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं आज हमें दिल्ली के सफाई आयोग राष्ट्रीय सफाई आयोग में जहां पीड़ित परिवार जो अमरोहा जिले में जो अभी सतवीर सफाई कर्मचारी की जो हत्या की गई है और उस पर जब यूपी में जब सुनवाई नहीं हुई जब प्रशासन कोई नहीं सुनवाई कर रहा तो उनको आना पड़ा दिल्ली के आयोग में वहाँ पर जो है मनोहर वालजी भाई झाला जो सफाई आयोग चेयरमैन हैं और जो पीड़ित परिवार आया आज आया और काफ़ी रो रहा था बिलख रहा था कि उनको न्याय नहीं मिल रहा और मजबूरन आपके पास आना पड़ा क्योंकि यूपी में उनकी जो उत्तर प्रदेश में सुनवाई नहीं हुई तो आपने क्या एक्शन लिया और क्या आप उस पर करना चाहते हैं देखिए मेरे पास आज अमरोहा के फतेह खदर के एक परिवार आया और मैंने उस परिवार को बिठाया और मैंने जब उसको सुना तो मेरा भी दिल दर्द करने लगा कि उनके उनके उनकी पत्नी और जो मरने वाला सतबीर सिंह जो जिनका जिनकी हत्या हो गई उनके पत्नी और उनके उनकी बेटी उनका बेटा मेरे पास रोने लगे तब मैंने पूछा क्या हुआ तब तो उसने बताया कि मैं मेरे पति का यहाँ पे हत्या हो गई है आज तक उसको उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो तुरंत ही मैंने इस बात को सीरियसली लेकर मैंने तुरंत ही फ़ोन डीएम एम वहाँ के अमरोहा के डीएम को लगाया और तुरंत ही मैंने उस पर उसको फटकार लगाई क्या आप क्या कर रहे हो इतने दिन से ये मर्डर हो गया और आपने कार्रवाई नहीं की तो उसने तुरंत ही मुझे जवाब दे के मैं आज शाम तक उस पर कार्रवाई करके मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ साथ साथ उन लोगों से बात करते 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 फिर मुझे लगा मैं एस से भी ये बात बता दूं और उनको भी इस कार्रवाई में लगाऊं तो तुरंत मैंने एस को भी फोन लगाया और सारी चीजें एस को हमने बहुत स्ट्रिक में कहा कि आप बैठ कर क्या कर रहे हो क्योंकि इस तरह से गरीब आदमी का हत्या हो रही है और आप कुछ एफ भी नहीं कर रहे हो तो हमने तुरंत ही कहा कि आप मैं यहां से इसको भेज रहा हूँ तुरंत ही उनके पर कार्रवाई करें और जो लोग हत्या की उनको पकड़ कर जल्दी अरेस्ट करें और जो भी कानून सख्त लगाना है वो कानून भी लगाए और तुरंत नहीं यहाँ खड़े करे उसको सारा लेटर हमारे ऑफिस से बनाकर मैंने हाथ में दे दिया कि आप जाओ इस एसपी के हाथ में दो वो कार्रवाई शुरू कर देगा तो इसी तरह आज मुझे आ, आ, उस एसपी से और डीएम से बात करके आ, मैंने शाम तक वो रिपोर्ट देने के लिए मैंने मैं कहा है कि आप मुझे इस पर रिपोर्ट दीजिए तो अभी वो काम भी लग जाएगी मुझे लगता है कि ज़रूर कोई ठोस कार्रवाई होगी जी बिल्कुल देखिए हम यहाँ पर मौजूद बैठे हैं और जब हमने उनकी पीड़ा को सुनाया जब वो पीड़ित परिवार जो है वो यहाँ पर बिलक रहा था रो रहा था तो तब मैंने देखा कि मनरवाल जी भाई झाला जो सफाई आयोग चेयरमैन है राष्ट्रीय चेयरमैन है भारत सरकार में उनकी आंखों मर आंखों में जो मैंने दुख देखा है और इन्होंने तुरंत फ़ोन उठाया और डीएम साहब को लगाया और डीएम साहब से जो फटकार जो लगाई है वो वाकई मनरवाल जी भाई झाला एक सराहनीय पद पर बैठे हैं और इनकी सराहना करना बनता है क्योंकि इन्होंने पीड़ित परिवार की जो पीड़ा को जो सुना है वो डीएम को जो फटकार लगाई है और उसके बाद जो एसपी को जो फ़ोन लगाया है और एस को भी जो फटकार लगाई है वो बड़ी काबिल तारीफ है और जो पीड़ित परिवार था उसको जो सुरक्षा मिली है जो उसको हिम्मत मिली है वो जो है मनरवाल जी भाई झाला को हम भी जागो समाज चैनल की ओर से जो है बधाई देना चाहेंगे और धन्यवाद देना चाहेंगे सर कुछ कहना चाहेंगे देखिए आज जब अमरोहा की फतेह खदर की बात हुई इसी तरह एक और घटना घटी जो शिवपुरी ज़िला में दो बच्चों को मार मार दिया गया और जब ये लोग मेरे पास ये बात लेकर आए तुरंत ही उसी वक्त भी मैंने डीएम और एसपी को हमने फटकार लगाई और कहा कि इस पर कार्रवाई करिए जो भी करना है करिए और जो मारने वाले हैं उनको अरेस्ट करिए तो फिर मैंने आयोग से भी मेरे जो सदस्य हैं गंगाराम घोसले जी हैं मैंने उसको तुरंत ही इसकी इंक्वायरी के लिए इस बात को जाँच करने के लिए आयोग की तरफ से मेरे सदस्य जो गंगाराम घोसले जी भी गए वो एक दो दिन में मुझे सारी रिपोर्ट देंगे और सारी इन दो बच्चों की जो मौतें हो गई है तो मुझे लगता है कि उस पर भी ठोस कार्रवाई करेंगे और और ज़रूर हथियारों को हम आ, आ, उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे जी तो उन, उन पर तो एट्रोसिटी केस जो है वो लग चुका है और जो सहायता मिलनी चाहिए प्रशासन की ओर से वो भी जो है आधी मिल चुकी है हाँ नहीं, नहीं वो आधी वो मिल जाएगी वो मेरे सदस्य ने मुझे बताया कि कोई पचास लाख एक एक को देने का है वो चेक बनने को भी विभाग में उनके जो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से वो अभी बना रहे हैं जब पचास लाख के चेक बन जाएंगे तो हम जरूर उस चेक लेंगे हमें अपने हाथ से देंगे जी अच्छा जो जो, जो मुजरिम है जिन्होंने मारा उन पर क्या हुआ वो भी अरेस्ट हो गए उनको भी अरेस्ट कर लिया गया तुरंत ही हमारे कहने से आयोग के कहने से उसको अरेस्ट कर लिया अच्छा ए, एक मुजरिम को जो है पागल बताया जा रहा है कि वो पागल पना क्यों कर रहा है और उसने कहा कि मेरे ख्वाब में जो है श्री राम आए थे और श्री राम ने मुझसे आदेश दिया कि दुष्टों का संहार करना है तो मैंने उसको जो है मारा है तो उस पर क्या प्रशासन कहीं ढिलाई तो नहीं बरत रहा है इसमें नहीं नहीं ऐसी कोई अपने आप को ऐसी बात कर, कर वो, भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये 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 ऐसी बात करके वो शायद कुछ सा आ, ल, कुछ करना चाहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है लेकिन ऐसी बातों से कानून पर कोई असर नहीं होता है कानून अगर कोई हाथ में लेता है तो उन पर कार्रवाई होती है और कानून का उ, उनको शिकंजा उनकी तरफ अच्छे से हम शिकंजा में लेंगे उसको जी चलिए धन्यवाद सर तो ये थे हमारे साथ में देखिए मनहर वालजी भाई झाला जो अपने ए, समाज की पीड़ा को और दलित समाज की पीड़ा को जो समझकर और इस जिम्मेदार कुर्सी पर बैठकर कर यहाँ जो कार्य कर रहे हैं समाज के लिए और पीड़ितों के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो एक सराहनीय है और हम चैनल की ओर से बार बार जो है ए, ऐसी शख्सियत का जो है धन्यवाद करते हैं तो चलिए मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल इसे लाइक करें कॉमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें धन्यवाद